हम आपको आज तानपुरे के अंगों के बारे में बताते हैं, जिसको आप पार्ट्स भी कहते हैं। सबसे पहले ये तबली कही जाती है, और उसके बाद ये तुम्बा, और ये गला, ये पूरा गला, और ये है लंगोट, इसको लंगोट कहते हैं, और ये है ब्रिज, हिंदी में इसका नाम घोड़ी है, घोड़ी, और ये है मन के, ये थोड़ा सा मिलाने में अगर कुछ कमी रह जाए तो इनका सहारा लिया जाता है। ध्यान रहे, इससे तानपुरे को उतार नहीं सकते हैं, सिर्फ चढ़ा सकते हैं बस। और ये है धागा, धागे से गूंज आती है, ये धागा है। उसके बाद आते हैं, ये चार तारे हैं। पहली तार जो है मध्यम या पंचम में मिलाई जाती है, राग के अनुसार, मालकौंस, बागेश्वरी, ऐसी चीज़ें गाना है तो वो मालकौंस में मिलती है, बाकी जिसमें फिर पंचम में मिलाते हैं। ये है डांट, ये है तारगण, ये है तारगण, ये है गजरा, ये है खूंटी, चार खूंटियां होती हैं, और वह है माथा, और ये है पत्तियां, पत्ती कहते हैं इनको। ये है नक्काशी, ये नक्काशी कहते हैं, ये खूबसूरती के लिए बनाया जाता है। अब हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। ये तुम्बा जो बनता है ये सीतेफल का बनता है, सीताफल, इसको कद्दू भी कहते हैं। जब ये शुरू शुरू में कच्चा होता है तो कहते हैं कि एक आदमी को उठाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सूखने के बाद ये इतना हल्का हो जाता है, आप देख रहे हैं, मैं एक इस अंगुली से भी उठा दे रहा हूँ, कद्दू कहते हैं इसको। धन्यवाद आप लोगों का, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर कि तानपुरा कैसे मिलाया जाता है।